हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम निकल रहे हैं, अभी रात का टाइम हो गया तकरीबन, ये 2:17 हो गए रात के, और अभी हम जा रहे हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन पे। और वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद में वहां से ट्रेन है सुबह 5 बजे की, और 5 बजे उसमें बैठ के निकलेंगे सीधे गोवा। उसका फैक्ट्री है, देखिए MG लिखा हुआ है ना ऊपर, देख वो है, ये लिखा हुआ है MG, ये पूरा उसका गोडाउन है। हमारे गोधरा से सब नौकरी करने यहाँ आते हैं, MG एक्टर गाड़ियाँ यहाँ पे बनती है, बहुत बड़ा है भाई यहाँ पे ये पूरा। ये अभी उसका मेन गेट आया, देखो बस स्टार्टिंग था, उसका मेन गेट है देखो। अभी बस थोड़े रास्ते में चल रहे थे तो एक टी ब्रेक के लिए हम रुक गए थे पीछे, आप देख सकते हैं वो जो जगह है उसको अपन ने अभी छोड़ दिया, चाय वाय वहाँ से पी लिए, और अभी डायरेक्ट वडोदरा में रुकेंगे रेलवे स्टेशन पे। तो वडोदरा पहुँचते हैं। फाइनली अभी जो रेलवे स्टेशन है वो पहुंच चुके हैं, और आपको दिखा देता हूं कि रेलवे स्टेशन कैसा है पीछे से। वो ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है, अभी गाड़ी में बैठे हैं और सामान उतारते हैं और फिर अंदर जाते हैं। जो वडोदरा के रेलवे स्टेशन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन अपना वो आएगा 5 बजे, और अभी 4:30 है, तो बस 40-45 मिनट और फिर अपन ट्रेन में बैठेंगे और निकल जाएंगे गोवा के लिए। तो गोवा फुल ऑन होता है अभी से, हालत पता नहीं कैसी हो रही है, रात को सीधा सो के सीधा ही निकले। तो गोधरा से निकल चुके थे और अभी डायरेक्ट अभी तो मुंबई है, लेकिन बीच में दिक्कत ये हो गई कि मेरे सूट चोरी हो गए, मैंने यहाँ रखे थे नीचे, और यहाँ से सीधे मेरे सूज चोरी हो गए। तो अभी मैं विदाउट सूज हूँ, पहले मेरे को सूज खरीदने पड़ेंगे उतरते ही। तो अभी मैं नाला सोपारा पार करके और कुछ तो वेनली करके कुछ तो एरिया शायद वहाँ रुका हूँ, और ट्रेन यहाँ से निकलेगी, रात हो जाएगी जब पहुँचते पहुँचते। तो बस मिलते आगे, तब तक के लिए वेट करो। तो अभी हम पनवेल पहुंच चुके हैं, आपको दिखाता हूं बाहर स्टेशन, हमें भी दिखाओ, तुम भी देखो भाई ये इसके जूते भी चोरी हो चुके हैं, पक्का सालियों ने चुराए होंगे। हाँ तो मेरे जूते चोरी हो गए, तो इसके कहने मेरी साली ने चुराए वो जूते, जिसके क्या किसने चुराए मेरे जूते, सालियों ने के साली ने चुराए, बहुत सारे थे क्या, पता नहीं भाई किसने तो क्या ही चुरा लिए जूते, अभी देख नंगे पैर घूम रहा हूँ। और अभी अपन पनवेल स्टेशन है, और पनवेल को मैं पर्सनली इसीलिए जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सलमान खान है उसका फार्म हाउस है, तो बस उससे ज़्यादा मेरा कोई इससे राम बता दिया, और देखते आगे क्या मिलता है भाई। जूते तो चोरी हो गए, कपड़े भी जाएंगे इसमें, तेरा घर जाएगा धीरे धीरे, तेरा घर जाएगा, बैग बैग देख लेना। You know I'm one of a kind, or so I've been told. No. भाई पिछले 15-20 मिनट से और ये कंटिन्यूस टनल चल रहा है, आपको दिखाता हूँ, ऐसा टनल है पूरा आगे तक, ये अभी जाके ओपन हुआ है, 12-13 किलोमीटर के करीब लाए टनल, पूरा पीछे तक 12-13 किलोमीटर लग गए। कौन से गाँव के आप? गाँव का नाम बता रहा है, तू उत्तर में आ रहा हूँ, कहाँ के वासी हो? मोबाइल दे दो क्या खाने के लिए? देखो कपड़े पहने, अरे इतने महंगे कपड़े पहने, भैया मोबाइल दिखाओ, सेल्फी ले दी क्या? Thank you.
we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it. फाइनली कुछ 10-12 घंटे की जर्नी के बाद में अभी हम गोवा है और गोवा के मड़गांव से पहले कोई रेलवे स्टेशन है उधर उतरे हैं क्या था थीवीम करके कोई रेलवे स्टेशन है उधर उतरे हैं और अभी अपने होटल की तरफ से अपनी गाड़ी आने वाली है और सीधा होटल पे जाके मिलते हैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाते हैं तब तक के लिए सीन का था बाय बाय।